हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए हुआ है, जो कि ये 5.1 का है। इसका ये है जैक मार्टिन का, इसका मॉडल नंबर है JM7100, जो कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें यहाँ से हम सप्लाई देते हैं तो इसमें पावर आ रहा है, यहाँ पे इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे ऑडियो ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक मिनट, आपको ऑडियो इनपुट देके भी आपको इसमें दिखा दे है। ये 5.1 का है हमारा, तो यहाँ पे हम एक मिनट यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा दे है। तो यहाँ पे हमने इसमें वोक्स के इनपुट में ऑडियो दे दिया, यहाँ से ऑन किया, और यहाँ से ये देखो, यहाँ पे वोक्स में ये हमारा लाइट, ये फिर भी नहीं बज रहा है। यहाँ पे एक बार सेटेलाइट स्पीकर भी आपको लगा के दिखा दे है। तो यहाँ पे ये देखो, इस तरह से हमिंग आ रहा है, मगर ऑडियो नहीं। तो इस तरह से इसमें हमिंग आ रहा है, आपको थोड़ा सा समझ दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से हमिंग आ रहा है, इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसको किस तरह से टेस्टिंग करना और कहाँ से रिपेयर करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैमरे को स्टैंड में लगा लेते हैं, फिर हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमने कैमरे को स्टैंड में लगा लिया है। अब सबसे पहले यहाँ से इसके स्क्रू को खोल लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने स्क्रू को खोल लिया है, और ऐसा प्रॉब्लम में तो कभी कभी ऑडियो नहीं आने की वजह से आईसी में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, मगर सभी आईसी एक साथ चले जाए ऐसा प्रॉब्लम तो देखा नहीं है कभी भी, मगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, मगर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम बने तो हमको टेस्टिंग करना है। यहाँ पे देखो, चूहे भी इसमें आए हुए हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम बने तो सबसे पहले हमको वोल्टेज टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे हम इसको एसी सप्लाई दे देते हैं, और यहाँ पे हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं, और मल्टीमीटर को डीसी रेंज में 200 पे सेट कर लिया है हमने। वो हमारा मल्टीमीटर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसकी वजह से ये हम यूज़ कर रहे हैं, और वो हमारी दिक्कत की वजह से ही ख़राब हुआ है। और हमने वैसा नया उसका ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा, तो हमने उसका भी ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला है हमारा ग्राउंड, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड में ब्लैक में रख लेते हैं, ब्लैक को ही। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, 18 वोल्ट दिखा रहा है माइनस के, और इस साइड ये वाला हमारा 18 प्लस के, और ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है। अब हम डायरेक्ट हमारे इसमें आईसी लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, 20-30 आईसी लगा होगा। तो यहाँ पे हमारा इसमें 20-30 आईसी लगा हुआ है, तो उसके आईसी के 5 नंबर पिन पे टेस्टिंग करना है वोल्टेज। तो यहाँ पे हम आईसी के 5 नंबर पिन पे वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, जो कि हमारा प्लस के वोल्टेज आने चाहिए ना, वो भी 18। तो यहाँ पे ग्राउंड ले लिया, और यहाँ पे ये हमारा आईसी का नंबर हो गया, पिन नंबर हो गया 1 2 3 4, और ये 5 यहाँ पे टच हो गया था। तो यहाँ पे माइनस के वोल्टेज दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रैक को हम ट्रेस करेंगे, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे एक मिनट। तो यहाँ पे ये स्पार्क हुआ, यानी कि यहाँ से ये लाइन कटा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे लाइन कटा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपको एक बार दिखाते हैं, ये हमारा थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लाइन हमारा कटा हुआ है, जो कि इसके नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है,
तो ये वाला पॉइंट हमारा कट गया है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग करते हैं यहाँ पे। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पे ये ट्रैक कट गया है हमारा, उसकी वजह से ये आईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से ये आईसी ऑपरेट नहीं हो रहा है। और आईसी ऑपरेट नहीं होगा तो इसमें ऑडियो कैसे आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, यहाँ से भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों साइड हम सोल्डरिंग कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे भी थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें सोल्डरिंग कर लिया है। अब एक बार और इसमें वोल्टेज भी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा बीच वाला ग्राउंड है और ये हमारा पिन नंबर 5। तो ये देखो यहाँ पे प्लस के 17 वोल्ट आ गए, यानी कि अब ये हमारा, ये देखो यहाँ पे हमिंग भी आना शुरू हो गया है। तो एक बार इसको और इसमें टेस्टिंग करते हैं कि हमारा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लिया है हमने, बाद में इसको फिटिंग कर लेंगे। एक बार यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ से इनपुट ऑक्स में ले लेते हैं और यहाँ से 5.1 कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑक्स में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्स हमारा हो गया, यहाँ से इनपुट, ये देखो यहाँ पे ये बजने लगा है, यहाँ पे एक बार सैटेलाइट स्पीकर भी लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट स्पीकर हम इसमें इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा शुरू हो गया है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताना, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।